देखो गाइस गाइस कैसा लगा ये अरुण भाई भाई पूरी ताकत तो हम लगा रहे हैं इसमें 140 गई है ये अभी देखते हैं क्या होता है रिजल्ट मैंने बहुत पीछे हो गई है इससे फिर आ रही है आगे सो हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हमारे पास ये देख सकते हो दो लेजेंडरी खड़ी हुई हैं बजाज और यमहा भाई। इन सबकी तो कभी ड्रैग खत्म ही नहीं हो सकती है, यमहा बजाज तो एकदम लड़ाई छिड़ी पड़ी है इन लोगों की तो। और यमहा यमहा है और बजाज बजाज है। तो यहाँ पे है NS 200 BS7 और हमारे पास है R15 V4 BS6। इसमें लगा है साउंड, आपको साउंड के बाद सुनाते हैं। ये देखिए प्यारा साउंड लगा हुआ है एक्रा पोविक। तो देखते हैं इन दोनों बाइक्स की क्या टॉप एंड होगी, क्या रिजल्ट होने वाले हैं, क्योंकि इसमें एक्रा पोविक लगा है एक जोर से शायद स्पीड बढ़ जाए। तो चलिए देखते हैं क्या रिजल्ट होता है, मिलते हैं ट्रैक पे। मैंने V4 पकड़ ली है, शुभम भाई चला रहे हैं ना, एक मिनट रुकना ट्रैक्शन बंद कर लें। तो चलिए ट्रैक्शन हो चुका है ऑफ, तो लेट्स गो। चलो में तो इनिशियल में तो NSE आगे निकलेगी, यहाँ पे NS लॉन्च में आगे है ऐसा आपको देखने को मिल रहा होगा। कुछ भी कर लो भाई वो बहुत पीछे रह गई है। पर वो कवर कर लेगा जल्दी ही, हम भगाते हैं, पूरा फोकस रखते हैं अपना भाई। NS यार इनिशियल में अच्छी है ये तो मानना पड़ेगा, लेकिन टॉप एंड किंग R15 V4 ये तो भाई इसको कोई नहीं हरा सकता टॉप एंड में। ये देखो गाइस करते हुए मुझे लग रहा है, आवाज आ रही उसकी आरुण भाई की आवाज बहुत तेज से आ रही है। स्लिम शेविंग नहीं किए मैंने, अभी ऐसे ही आगे जा रहा हूं। कैसा लगा? यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, आगे जा रहा हूँ, लेकिन NS जो है वो बगल में ही चल रही है, देखते हैं क्या होता है भाई। बगल में आ गई है, देखो हेड टू हेड टक्कर है भाई, यहाँ पे टक्कर हेड टू हेड है। और यहाँ पे 134 अभी गई है टॉप एंड, क्योंकि विंड ब्लास्ट बहुत ज्यादा है इधर से, देखते हैं कि क्या रिजल्ट निकलते हैं यहाँ पे। ये देख रहे हो बगल में चल रही है सो NS 200 BS7 भाई, सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब। यहाँ पे भाई हेड टू हेड रहने वाली है, हमें लग रहा है हेड टू हेड रहने वाली है। NS थोड़ा सा आगे है, कभी आगे
बार बार आगे जा रही है, कार्बन फाइव आगे आती है पीछे चली जाती है, तो एकदम हेड टू हेड ही चल रहा है अभी तो। भाई टॉप एंड तो नहीं अचीव हो रहा है, 136, 137, 138, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जा रही क्योंकि विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा है इधर से, लेकिन हेड टू हेड है दोनों। लेकिन भाई इतना इतना फ़र्क रह रहा है खाली, तो एक बार राइडर भी स्विच कर लेते हैं, वेट का थोड़ा सा फ़र्क है। और ये नेकेड है वो फेयर्ड है, ये भी देख लो। और इसकी जो टैंक है वो फुल है। हाँ ये आधे पे है, तो चलिए अब राइडर स्विच कर लिया है। एनएस लेके अभी जैसे उस फर्स्ट राउंड में जैसे वो आ गया था वैसे मैं आगे हूँ, टॉप एंड में बिफोर ही आएगी जहाँ तक, देखते हैं। तो यहाँ पे भाई देख सकते हो बहुत ही स्लो जा रही है ये, भाई कुछ दिख नहीं रहा है इसमें, बहुत बड़ा विंड शील लगा हुआ है। आ रही है आगे,
हैड है भाई, हेड टू हेड देख रहे हो भाई। यार आपने देखा ड्रैग, अब अगर आपसे बताएंगे तो बात ही खत्म कि आपने वीडियो देखा होगा, नहीं देखा होगा तो फिर से वापस जाइए और वीडियो देखिए। इसमें दोनों बाइक हेड टू हेड थी, कभी ये थोड़ा आगे तो कभी वो थोड़ा आगे, लेकिन दोनों बाइक एकदम सेम टू सेम कंडीशन में चल रही थी, कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं आया है। तो ड्रैग कैसे रही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और भाई को प्यार दीजिए ढेर सारा, इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। तब तक के लिए टेल देन बाय बाय, लव यू।